इतिहास के पन्नों में दर्ज एक रहस्यमय कुआं जो लगभग 2000 साल पुराना है, जिसके कुछ राज ऐसे हैं जिनका नहीं मिल सका अभी तक कोई जवाब, जिसके बारे में कहा गया कि इस कुएं में छिपी है सम्राट अशोक की अकूत दौलत। इसकी गहराई का रिकॉर्ड भी अभी तक ठीक ठीक पता नहीं हो सका है। कहा जाता है कि ये कुआं पाताल में जाकर मिलता है और इस कुएं में सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर उनकी लाशों को इसी कुएं में फेंक दिया था। किसी जमाने में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र का पटना आज मुख्य शहर है। नंदवंश और मौर्य वंश के शासनकाल में न केवल ये मगध की बल्कि पूरे देश की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी रहा है। अपनी विरासत को इतिहास में खोजते इस शहर में एक कुआं है, अगम कुआं। अगम कुआं अपने कई रहस्यों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सम्राट अशोक ने इस कुएं का निर्माण सन 233 से 273 ईस्वी के मध्य में किया था। इस कुएं के अंदर कई छोटे छोटे कुएं हैं और उन्हीं में कहीं तहखाना है जिसमें सम्राट अशोक ने अपनी दौलत छुपा रखी थी। 1890 के दशक के दौरान ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वेडल ने पाटलिपुत्र के खंडहरों की खोज करते हुए अगम कुआं को सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए पौराणिक कुएं के रूप में पहचाना। इससे पहले कि वह बौद्ध धर्म ग्रहण कर सकें, अशोक के नर्क के कक्षों के हिस्से के रूप में जाना गया। 5वीं और 7वीं शताब्दी की चीनी यात्रियों द्वारा अत्याचार की प्रथा की रिपोर्ट की गई थी। यह कहा जाता था कि कुएं को आग से फेंकने के लिए दोषियों को यातना देने के लिए इस्तेमाल किया गया था जो कुएं से निकलता था। इस कुएं को उग्र कुआं या धरती पर नरक के रूप में भी जाना जाता था। एक अन्य लोकप्रिय किंवदंती में कहा गया कि यह कुआं था जहां अशोक ने अपने बड़े सौतेले भाइयों के 99 सिर काट दिए और मौर्य साम्राज्य के सिंहासन को पाने के लिए सिर कुएं में डाल दिया था। सम्राट अशोक के समय आए चीनी यात्रियों ने भी अपनी इस किताब में इस कुएं का उल्लेख किया है और ऐसे जगह के रूप में किया है जहां सम्राट अशोक ने अपने विरोधियों को मारकर वहां लाशें डलवाते थे। इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। अगम कुएं के बिल्कुल पास ही स्थित है शीतला देवी का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि पहले कुएं की पूजा की जाती है और फिर इस कुएं के जल को शीतला देवी को चढ़ाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुएं के जल का इस्तेमाल करने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स जैसे रोगों के लिए लोग इस कुएं के पानी का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि इस कुएं की खोज साल 1902 से 1903 के बीच ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वेडल ने की थी। वेडल ने उल्लेख किया कि करीब 750 वर्ष पूर्व जब कोई मुस्लिम अधिकारी पटना में प्रवेश करता था तो सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के इस कुएं में डालता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई चोर डकैत अपने काम में सफल होते थे तो इस कुएं में लूट का कुछ हिस्सा डाल देते थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 2000 साल पुराने इस कुएं की विशेष बात यह है कि जब ये कुआं अस्तित्व में आया तब से आज तक ये कभी नहीं सूखा। गर्मियों के मौसम में जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो इस कुएं का जल स्तर उतना ही रहता है जितना कि बारिश के समय में। एक मान्यता के अनुसार सम्राट अशोक के समय से अस्तित्व में आए इस कुएं के पानी का रहस्य जानने का अब तक 3 बार प्रयास किया जा चुका है। पहली बार 1932 में, दूसरी बार 1962 में और तीसरी बार 1995 में, मगर आज भी ये एक पहेली बना हुआ है। इस कुएं का पानी कहाँ से आता है यह भी एक रहस्य है। अंग्रेजों के शासनकाल में कहा जाता है कि कई बार भयंकर सूखा अकाल पड़ने पर भी इसका पानी नहीं सूखा और न ही भयंकर बाढ़ों के आने पर इसके पानी में कोई विशेष बढ़ोतरी ही हुई। इस कुएं की एक और विशेषता है कि इसके पानी का रंग भी बदलता है। इस कुएं के कभी न सूखने वाले पानी के पीछे यहाँ के क्षेत्रीय निवासी ये तर्क देते हैं कि ये कुआं पश्चिम बंगाल स्थित गंगा सागर से जुड़ा है। अपने तर्क को प्रमाणित सिद्ध करते हुए वे एक घटना का जिक्र करते हैं जिसमें वे बताते हैं कि एक बार एक अंग्रेज अफसर की छड़ी गंगा सागर में गिर गई थी जो बहते बहते पाटलिपुत्र स्थित इस
अगम कुएं के ऊपर आकर तैर रही थी। आज भी उस अंग्रेज अफसर की वो छड़ी कोलकाता के म्यूजियम में रखी हुई है। सम्राट अशोक के समय भारत आए चीनी दार्शनिकों ने अपनी पुस्तक में इस कुएं का उल्लेख इसी रूप में किया है। अगम कुआं में आगंतुक सिक्के फेंकते हैं क्योंकि यह अभी भी शुभ माना जाता है। इसका उपयोग कई धार्मिक समारोहों विशेषकर हिंदू शादियों के लिए किया जाता है। यद्यपि यह वंदित है, कुएं के पानी का सेवन नहीं किया जाता है। फूलों और सिक्कों की पेशकश गर्मियों के महीनों में आमतौर पर कुएं में डाली जाती है क्योंकि कुएं का इतिहास गर्मी और नरक से जुड़ा हुआ है। भारतीय पुरातत्व के वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई 105 फीट मानी है। इसका व्यास 4.5 मीटर यानी 15 फीट से अधिक है। यह ऊपरी आधे हिस्से में 44 फीट यानी 13 मीटर की गहराई तक ईंट से घिरा है, जबकि निचले 61 फीट मतलब 19 मीटर लकड़ी के छल्ले की एक श्रृंखला द्वारा सुरक्षित है। मांस के साथ कवर सतह संरचना जो अब कुएं को कवर करती है और इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता बनाती है, इसमें 8 धनुषाकार खिड़कियां। बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान इस कुएं का नवीनीकरण किया गया था और कुएं के चारों ओर एक छतनुमा ढांचा बनाया गया था। इस परिपत्र संरचना को 8 खिड़कियों के साथ फिट किया गया जिन्हें अच्छी तरह से रखा गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।